आज है 11 अप्रैल और बस 12 बजने ही वाले हैं और अमन का है बर्थडे। करीब 11:50 हो चुके हैं, अलार्म लगा करके मैं लेटी थी और अमन तो सो चुके हैं। छोटा सा सेलिब्रेशन, नाइट सेलिब्रेशन करेंगे। सरप्राइज़ प्लान थोड़ा सा कर रखा है क्योंकि शाम को सब होते हैं तो थोड़ा सा अकेले वाला सेलिब्रेशन भी बनता है। फटाफट उसकी तैयारी कर लेते हैं, फिर अमन को उठाएंगे। थोड़े से ही बैलून फुलाए मैंने तो उसको लगा लेते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pati Babu. Happy birthday to you. Happy birthday, baby. उठो। Thank you. उठो। ये करूँ? मैं already मेरी आँखें बंद है यार। डालो डालो। चमन ऑलरेडी आके बंद है। डालो जल्दी डालो जल्दी डालो। यार जल्दी है बच्चा। आजा आजा। नहीं करना बाप। मेरा हैंड पकड़ लो। टू डू दिस। मेरा हैंड पकड़ो। अरे बच्चा थैंक यू। आओ। बच चुके हैं, चावल बन चुके हैं, राजमा का मसाला तैयार है और नाश्ते की तैयारी हम कर रहे हैं। तो होपफुली बहुत अच्छे से मनाएंगे अमन का बर्थडे। आप भी उनको बहुत सारे विशेस देना, भर भर के विशेस भेजना और मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मैं हूं अमन, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और चमन मेरे बर्थडे पे मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। ये शर्ट मुझे अभी चमन ने गिफ्ट किया है, सी दिस, नाइस ना, मुझे कलर बहुत पसंद आया। सो थैंक यू सो मच बीवी। और मुझे ऐसे लूज लूज खुले खुले कपड़े थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो चमन को बहुत मेहनत लगी होगी ये चूज़ करने में आई एम श्योर। और थैंक यू सो मच, देखते हैं दिन भर में क्या करती है। बीवी ज़्यादा एक्साइटेड है पति के बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम, सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ी सी थकावट सी हो रही थी, रेस्ट कर रहे थे और अभी मैंने बाहर की सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं और कुछ कुछ सोचा है। पहले फटाफट रेडी हो जाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि गेस्ट आ जाए और मैं ऐसे ही घूमूं। सो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं रेडी, और अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने देख लिया होगा इंस्टाग्राम पे कि सब चीज़ें इतनी सिंपल सिंपल से क्यों हो रही है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डाल देती हूँ इंस्टाग्राम का लिंक, जाओ और देखो। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी तक क्या किया है। तो ये छुटपुट सा छोटा सा तैयारी अभी हम कर रहे हैं, वहाँ पे एक टेबल और आएगा और थोड़े से बैलून्स हम अभी लगाएंगे। खाना आ चुका है, केक आ चुका है और छोटी सी गेम है अमन के लिए, सो वो सब हम खेलेंगे, गेट टुगेदर सा करेंगे। मैं कैसी लग रही हूँ ये बताओ, और अमन के साथ फ़ोटोज़ खींच के खूब सारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे। तब तक फटाफट तैयारी कर लेती हूँ, अमन के आने का समय भी बस हो ही रहा है। चलो अमन के आने के बाद दिखाएंगे। बाय, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे बॉय इज हियर।
और बर्थडे बॉय मेरे पे सरप्राइज देने में लगा हुआ है, बताओ ये भगवान। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबू। चलो तुम फ्रेश ना हो जाओ फटाफट जब तक सब आ रहे हैं। और कौन आया है? नीरज आया है। हेलो नीरज। हाय। हेलो। हाय। क्या है आज? आज मेरे चाचू का हैप्पी बर्थडे। और हम क्या करने वाले हैं अभी? केक कटिंग। ये ओके, कौन काटेगा? मैं। सो सभी आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए और केक कटिंग करेंगे फटाफट और देखते हैं कि केक का फ्लेवर इन सभी को कैसा लगता है, क्योंकि कुछ नहीं। सभी नहीं आए, तरुण नहीं आया अभी तक। हाँ वो थोड़े से लेट है और बोल रहा है कि मैं लेट आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं केक काट रहा हूँ। ठीक है। बर्थडे केक के साथ कुछ नए फ्लेवर्स मैंने ट्राई किए, देखते हैं अमन को कैसे लगता है। आओ दिखाओ। लो ये बहुत यम्मी लग रहा है वाला केक। बेटे तो चाची बताइए कौन सा है। डॉल्फिन केक। डॉल्फिन केक। रुको जरा, सबर करो। पक्का मुझे पता था ये सब चीजें। Look for the clues but don't get stressed. You will find another when you get dressed. Dressing. धंटड़न। क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्लू ढूंढ रहा हूँ। ढूंढो। Look for the clues but don't get stressed. You will find another when you get dressed. So I get dressed. हाँ। One hour later. तो मिल ही नहीं रहा यहाँ पे तो कुछ भी। देखो दिमाग लगाओ। हर चीज आंखों के आगे थोड़ी मिलती है। हाथ में दे दो। ड्रेस का मतलब ये होता है। Where you get dressed? Dressing के आगे। अरे भाई वहाँ से भी नहीं कर सकते। वहाँ पे देख लिया मैंने, वहाँ पे नहीं है। Looking for the missing link. इतना इजी लेके तुम भी तो फिर क्या गेम? अरे बहुत सारे गिफ्ट है ना, मैं सीधा ले लेता हूँ। तुम जाओ उधर जाओ, पिटोगे। क्या हो गया इतना? क्या हो गया एंकी सिंह के क्या घर में? यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नहीं है, पक्का नहीं है। Don't tear the room apart. Just take a look in the stuff. Oh God, why ये तो समझ भी नहीं आया। ना कोई जो आर्ट वाला हो। Don't tear the room apart. रूम में तो नहीं है, बस इतना बता दे ताकि मैं अंदर तो नहीं जाऊँ। इस रूम में ही है। 101%. ओ ओ ओ ओ ये खजाना तो यहीं पे ही है। आर्ट वाला होगा, इधर होगा। वो ऊपर देख। पक्का यहीं पे ही है। हाथ मार के भी नहीं निकाले बताओ आप।
आपको दिख गया क्या मीरा? मजाक कर रहे हो यार, मजाक क्यों करूंगा यार, इसमें जिंदगी मजाक समझ रखी है। नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, हाथ में क्या है तेरे? डोंट फियर द रूम अबाउट जस्ट टेक अ लुक इन द सफर आर्ट। तो ये आर्ट है ये। हां दिख रहा है हमको, दिख रहा है। मेरा छोटा रह गया तू, आता हूं मैं अभी, ऐसे नहीं देख रहा ना। गो एंड लुक फॉर द क्लू वेयर यू ले योर हेड। वो तो फिर से किराने पे जा, किराने पे। वांटिंग मोर, व्हाई डोंट यू चेक द फ्रंट डोर? यार वहां तो कुछ मिला नहीं है बाहर। भैया ढूंढने तो आधे घंटे बाद ही ना। फ्रंट डोर वो भी हो सकता है, इस पे कुछ करो नहीं, अड्डा पायदान रखा के देखो। अरे फ्रंट डोर, फ्रंट डोर बोले, डोंट टच। तो डोर तो यही है, इस पे तो कुछ भी नहीं है। डोर मत बोलो, उसने हाथ आ जाएगा बेटा, उधर से दूर हो जा। ये देख कबाड़ शूर है, डोर बोला शूर है, खोलता है यार। मुझे चाबी ले दो। भाभी कैसे देख रही, डोर ऐसे देख रही। भाभी थोड़ी हेल्प कर दो, ये तो मिल ही नहीं रहा तो यार। चलो कार फ्रंट डोर पे तो गई है यार, एक बड़े बड़े इस पे तो ना चिपका देखो यार। एक बार बंद करके देख लो, फ्रंट डोर वो तो नहीं है नीचे लोहे वाला। ओ भाई मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। कहां से आई, मैंने अभी तो देखी थी, अभी तो नहीं थी यहां पर। ये चीटिंग हो रही है मेरे साथ, ये यहाँ पे नहीं थी, मैंने देखा था यहाँ पर। नहीं 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 था, नहीं था, नहीं था यहाँ पे, पता नहीं चलता ना ज़्यादा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद देखा। अरे इसने भी मेरे साथ देखा भाई, यहाँ पे नहीं था, नहीं था, कहाँ जाएगा? ये चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है। नहीं था ना, नहीं था ना, देखा, चीटिंग हो रही है, मैं बता रहा हूँ। Looking for the final bread, go where you can look. भैया जब देखते हैं ये, कौन से भैया बैठे हैं? तो फिर मिरर हो गया। चाचू साथ ही गद्दार हो सकते हैं। भाई दस पेपर है, ढूंढ रहे हैं। So here you go. This is the final prize. Yes. Okay. So here is the final prize. Hopefully आपको अच्छा लगा होगा। भाई ये तो बहुत अच्छा था। I mean 6-7 round इसने खिला दिए। और इनको इनका final और main gift मिल चुका। और अभी तक ना trust me अभी तक का इसने ये best round खिलाया मुझे। क्योंकि इससे दो में पहले मैं जीता हूँ। मैंने बहुत easily ढूंढ लिए थे, but this one was very tough and the language was very good. The rhyming was very good. The clues were so up to the mark. डिनर हो चुका है सभी का और एक फाइनल गेम खेलने वाले हैं हम लोग। तो गेम आप सभी ने देख रखा होगा, गेम के रूल्स मैं आपको ऑफ कैमरा इनको पहले बताऊंगी और फिर आपको बताऊंगी। तो ये गेम जो है ये है अमन वर्सेस तरुण भैया, ये लोग अपनी टीम सिलेक्ट करेंगे और तब तक मैं इनको गेम बताती हूँ। है कि आप सभी लोग ने टिक टक, क्या बोलते हैं, टिक टॉक, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस वाला जो हम बनाते हैं, हाँ ऐसे वाला, क्या बोलते हैं इसको, जीरो काटा बोलते हैं, जीरो काटे बोलते हैं, हाँ जीरो काटा नाम, ठीक है। तो आपकी और इसको क्रॉसवर्ड शायद नहीं, क्रॉसवर्ड नहीं बोलते हैं वो, तो टिक टैक ऐसे कुछ बोलते हैं, चलो कोई बात, जीरो काटा मार, ठीक है। सो ये गेम आपके और तरुण भैया, आप एक तरफ आपो एक तरफ तरुण भैया हैं। ये आपकी बॉटल्स हैं, बॉटल्स को इस पे नहीं, इस पे पलटना, कांच को क्या करना है, बॉटल को ऐसे करके जब फेंकना है, मतलब जो स्टैंड होनी चाहिए, जिसकी बॉटल स्टैंड पहले होगी उसको मौका मिलेगा ये बनाने का, ठीक है। आपका इनका रेड कलर है, आपका ब्राउन, आपका वाइट कलर है, आपकी बारी। एक बार आप अगर आप जीते तो आपके बाद आपका टीम करेगा, समझ गए। और आपको ये थोड़ी ना हाथ ना अलग गेम चल रहा है नीचे, इनको गेम बताया, इन्होंने गेम सुन के सर पे ही हाथ रख लिया है, और सारे मेंबर प्रिपेयर हो रहे हैं। चलो नीचे से चलो चलो चलो। अमन तुम रखो एक ही बात है यार, अगला भाभी अगला यार, आपने बॉटल पलटनी है अगली। चल भाई चल भाभी लो जल्दी करो, भाभी की बारी थी, नहीं तरुण भैया की है। अच्छा ये थोड़ी है, एक ही बार करना है, एक ही बारी करनी थी भाभी। चलो जल्दी चलो, आपने दो नहीं ली थी। अरे यार तुम्हारी बारी, नहीं तुम्हारी कहाँ से,
डे लगा हाँ। तो उसके बाद ये लोग आए हाँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी हाँ, सही में सही में। थैंक यू सो मच। चाचू थोड़ा बीमार लगेगा ये, बेस्ट विशेस दे दो ठीक होने के लिए। और मेरा डुग्गू आया ना बाबू, कैसे विश किया था मेरे को आपने? भी बीमार है बेचारा बेबी छोटा सा। कैसे किया था? ओ इधर देख के बोल दो हैप्पी बर्थडे। ओए मेरा बाबू, लव यू, थैंक यू। मी मॉन मी मोस्ट। रात हो गई है, मेरा बर्थडे खत्म होने वाला है, तो अभी मुझे गिफ्ट्स मिलने थे। अब चमन मुझे गिफ्ट दे रही है, लेट्स सी क्या दे रही है। सी बाप रे, ये तो बहुत सारे गिफ्ट्स है। अरे बच्चा थैंक यू सो मच। लाओ लाओ लाओ, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, फटाफट दो। हम करते हैं आज के व्लॉग का एंड। कैसा लगा? एक साल और बीत गया, सो आई हैव टर्न्ड आउट इनटू माय 30s लास्ट ईयर, बट वन मोर प्लस टू द 30s, एंड बहुत अच्छा रहा। चमन ने बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से किया, छोटा सा सेलिब्रेशन किया, क्यूट सा, अमन के पसंद का गेट टुगेदर, जैसा अमन चाहते हैं वैसा छोटा सा। हाँ, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, सब कुछ हमने घर पे किया, बहुत अच्छा लगा यार। आई मीन ये बहुत अच्छे से करती है। अगर आप लोगों ने अभी तक अमन को ब्लेसिंग्स नहीं भेजी हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे भर भर के ब्लेसिंग्स दें। भेज दो, गिफ्ट में क्या है इसके लिए आपको हमारा अगला ब्लॉग भी देखना पड़ेगा, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे सारे गिफ्ट्स की। यस, और इंस्टाग्राम पे जाके वो स्पेशल न्यूज भी देखनी है। सुबह मुझे ग्रीन वाली टी शर्ट दी थी चमन ने, रात को मुझे रेड वाली टी शर्ट दी है, बोल रही है कि आपको ऐसी बहुत पसंद है तो ढूंढ ढूंढ के लाई है। थैंक यू सो मच बी बाबू, मेकिंग माय डे वेरी वेरी। और जो जो हमारे बर्थडे में आए, इनके बर्थडे में आए, जिन्होंने हमारा दिन इतना स्पेशल किया, हेल्प की सब लोग, सब लोग, मोनी भाभी, कविता भाभी, तरुण जो बीमार था फिर भी आया, मेरा बेस्ट बड़ी, और नेहा भाभी हो गए, डुगू एंड डुगू भैया भाभी, और जो नहीं भी आ पाए किसी वजह से हाँ, जिन्होंने ब्लेसिंग्स भेजी, मिस यू एंड थैंक यू सो मच आप सभी के टाइम देने के लिए। मिलेंगे जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।